तो कनक कलर करके आया है। तुम्हारी बारी है, अब तुम मुझे ढूंढना, मुझे और कनक को ढूंढना। पापा खा रहे हैं ब्रेड रोलर। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? कर्म स्कूल जा चुका है, विकास रेडी हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैंने भी आज सुबह से मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दी है। अभी मेरा इस महीने का चैलेंज है कि मैंने यानी कम से कम 3 या 4 किलो वेट लूज करना है अपना। सो मैंने आज सुबह से ही मॉर्निंग वॉक शुरू कर दी। ये तो मैडम सोए हुए थे। चलो दोस्तों, मैं तो चलाऊं कोर्ट और ये भी चली अभी हॉस्पिटल में, तो आपको मिलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। सो मैं अभी बैठी हूँ हॉस्पिटल में, तो मैं पापा को मिलवाती हूँ हॉस्पिटल में। आज पापा की गुड मॉर्निंग नहीं हुई। मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग। और फिर की कर रहे हो? बस पेशेंट देख रहे हैं, हॉस्पिटल में बैठे हैं। तुसी वो देखी थी बाहर, आज अपने इतने काउस खड़ी थी, उन्हें दे कि में स्पॉट्स पड़े हुए थी। जो काउस है ना, दे आर सफरिंग फ्रॉम लंपी स्किन डिजीज। वो लंप्स बन जाते हैं चमड़ी पर और उनको बुखार हो जाता है, उस वजह से ये बीमारी फैल रही है बहुत ज़्यादा। पंजाब में तकरीबन 1000 काउस को ये बीमारी हो चुकी है और उनमें से काफ़ी मर भी चुकी हैं बेचारी। ध्यान रखिए, आप भी दूध पीने नाल नहीं होंगी ये। डॉक्टर से पूछा है, जो एनिमल्स के हैं ना, उन्होंने बताया है कि ये बीमारी ह्यूमन बींग को नहीं होती। यदि हम गलती दूध पी भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज पापा अपा वो गेम खेलनी है, वो ब्लाइंड फोल्ड वाली नहीं होंगी। आज 2 मैसेज आए हुए हैं, उन्होंने लिखी हुई है हिंदी च, कांक माची पता नहीं कुछ ऐसा वो बोल दे उन्हें। ये खड़ा है आकाश। आकाश हाई कर दे। हाई। ठीक है, तू की हो गया तेनू? बाकी सब नू की होया आज छुट्टी ते? ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਕੱਟ ਗਏ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਕੱਟ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬਚਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਨਮ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਸੇ, ਤੋ ਅਭੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹੂੰ ਘਰ ਔਰ ਦੇਖਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਲੰਚ ਮੇਂ ਕਿਆ ਬਨਾਇਆ ਆਜ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਰਾਜਮਾ ਬਨਾਏ ਹੈ। ਨੰਨਾ ਆ ਗਏ ਆਪ? ਆਈ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਆ ਗਏ? ਕੈਸੇ ਹੋ ਆਪਕਾ ਡੇ? ਖਰਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੌਂਟੀ ਖਾ ਲਈ ਥੀ ਆਪਨੇ? ਅਬ ਲੰਚ ਕਬ ਕਰੋਗੇ? थोड़ी देर में। आज होमवर्क कितना मिला? पता नहीं। पता नहीं? नहीं पता आपको? एक मिनट। हाँ। बैग है। स्कूल वाला बैग कहाँ है भाई इसका? ये वो पड़ा। अब ये पता नहीं क्या खजाना निकाल के देगा मेरे को। ओ डायरी। ये सर डायरी खोल रहे हैं, पढ़ के बताएंगे। वाओ, है कनव का कलरिंग पेज। आज ये कलर करके आए हो आप? वेरी गुड। आज पूछो खाने में क्या है, सोचो क्या बना होगा। भिंडी। नो भिंडी। सोचो सोचो। चावल। हाँ चावल। राइस के साथ क्या बनता है अपने घर में ज्यादा? राजमा। आज बने राजमा राइस। तो अभी चलते हैं बाहर। एक्चुअली आज मैंने जो क्लीन करवाया है वो सामान रखना है मैंने अभी थोड़ी देर में। तो ये है वो सामान जो सारा मैंने यहाँ पे रख दिया था, और मेरा ये वाला पोर्शन मैंने आज सारा क्लीन करवा लिया। हमारे घर में रोज ऐसे एक कॉर्नर क्लीन हो जाता है। ये देखो, ये लड़का अपने शूज़ उठा के खुद ड्रॉअर में रखता है। इसकी ये हैबिट्स मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। खुद आएगा, खुद सॉक्स उतारेगा, शूज़ उतारेगा, शूज़ अपने ड्रॉअर में रखेगा, सॉक्स अंदर रखा आएगा धोने वाली जगह। बहुत गुड बेबी। और आते ही अपना लंच बॉक्स निकालेगा और वहाँ किचन में रखा आएगा धोने के लिए। मेरा कनव गुड बॉय है ना। अच्छी अच्छी बातें आती हैं नन्ना को। पापा को नहीं आती। पापा को नहीं आती? पापा क्या करते हैं? खाना डाल रही थी और कनव फ्रिज में से छुपके से चॉकलेट निकाल के कमरे में जाके खा रहा है। मैं भी सोचू ये अचानक से कहाँ चला गया। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो वो लगा पड़ा है। ये देखो नन्ना, दिखाना अपना चेहरा, ये छुप छुप के चॉकलेट खा रहे हो। यार क्या है, मैं भी सोचू ये कहाँ चला गया। तो दोस्तों हम खाते हैं खाना, तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे।
तो विकास आ गए हैं ऑफिस से, बड़ी लेट हो गए। हाँ जी, बड़ी लेट हो गए। नहीं लेट तो कहा हूँ, अभी 4:45 हो गए। हाँ बस आज थोड़ा लेट हो गया, काम ज्यादा था। 4:15 तक आ जाते, अच्छा 4 बजे तक आ जाते हो। आज थोड़ा काम ज्यादा था इसलिए लेट हो गए। मजदूरी करनी पड़ती है ना वहाँ पे। अच्छा और खाना ले आओ। हाँ ले आओ खाना, अगर देने का आपकी इच्छा है तो दे दो। अगर बनाया फिर देंगे। क्या बनाया, क्या है आज आपने? आज है राजमा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सो अभी हम आए हैं ऊपर अपनी छत पे, थोड़ा सा मैं क्या चलो देखते हैं, मौसम थोड़ा आज अच्छा हुआ हुआ है। तो कनव जिद कर रहा है कि पापा मैंने कुछ खेल खेलना है, तो आज हम खेलने की तैयारी में है ब्लाइंड फोल्ड। तो ये मेरी आंखों पे पट्टी बांधेंगे और ये, और मैंने इनको ढूंढना है। अगर मैंने इनको ढूंढ लिया तो मैं जीत जाऊंगा, और अगर मैं इनको ना ढूंढ पाया तो ये जीत जाएंगे। और सजा में क्या है, पेनल्टी क्या है कि अगर तो ये हार गए तो ये मुझे ब्रेड रोलर बना के खिलाएगी श्रुति, अगर मैं हार गया तो श्रुति मुझे बेड रोलर बनाकर खा लाएगी। तो ये पेनल्टी है। तो अभी करते हैं शुरू गेम। 1, 2, 3 अरे चक्कर आ गया, क्या किया ये? हेलो ऐसे कैसे पकड़ा जाएगा? ये गलत बात है। तुम्हारी बारी है, अब तुम मुझे ढूंढना, मुझे और कनव को ढूंढना। चलो ढूंढो। खाना खाओ कोई। पकड़ लिया पापा को। ये कलम लगा हुआ है दादू को पकड़ने। दे रहे पापा का मगर ही बह गया, देख रहे हो? फाइनली पकड़म पकड़ाई हो गई हमारी खत्म, थोड़ी सी की पर अच्छा लगा। भावना हार चुकी है पर भावना सबके लिए बनाएगी बेड रोलर। तो गेम हमने खेल लिया, अभी हम लोग बैठे हैं। कनव के पड़ी है बहुत सारी डांट क्योंकि वो केले ऊपर भाग गया, तो अभी वो कैमरे के सामने आएगा नहीं, पापा के पास है। और अभी बनाएंगे ब्रेड रोलर क्योंकि मैं एज यूजुअल जैसे हारी हूँ तो मेरे को ब्रेड रोलर बनाने पड़ेंगे अब। तो सबकी डिमांड है कि ब्रेड रोलर, तो आपको वैसे भी ब्रेड रोलर बनानी पड़ते हैं। हाँ तो डिमांड है सबकी कि ब्रेड रोलर खाने हैं तो बनाएंगे। ये देखो मैं आज डिनर में नहीं बनाऊंगी, फिर कुछ राजमा पड़े हैं वही खाने पड़ेंगे। वो तो वैसे भी नहीं बनेगा वैसे। हाँ वैसे भी नहीं बनेगा, आपके यहाँ कुछ नहीं बनता, वैसे भी नहीं बनता, ऐसे भी नहीं बनता, बनता ही नहीं आपके यहाँ। रोज भूखे सोते हैं बेचारे, दो रोटी भी नहीं मिलती है इनको, बड़ा ही बुरा हाल हुआ हुआ इनका। कनव आप ऊपर क्यों गए ऐसे, गलत बात होती है। सो अभी चले हम नीचे ब्रेड रोलर की तैयारी करने। तो ये जा रहा है मेरा कनव, आलू बॉइल करने रखने हैं अभी, फिर उसके बाद बनेंगे। चलो 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 चलो, ये रख दिया मैंने पोटैटो बॉयल होने के लिए, अब ये बॉयल हो जाएंगे फिर इसका मिक्सचर तैयार करूंगी।
फिर उसके बाद ब्रेड रोलर बनाएंगे। अरे ब्रेड तो है नहीं हमारे फ्रिज में, ब्रेड नहीं है भाई, नो ब्रेड। कनव दादू को बोलो यार ब्रेड मंगवा दे, है कनव को गड़बड़ी में पानी पिएगा, इसमें नहीं पीते, रुक जा गिलास देती हूँ। तो ये कनव का स्ट्रॉ वाला गिलास, ये इसी में मोस्टली पानी पीता है। सो पापा खा रहे हैं ब्रेड रोलर, भावना ने अपनी शर्त पूरी की, जीता चाहे कोई भी, लेकिन फायदा मेरा हुआ क्योंकि ब्रेड रोलर मिल गए घर में बनाने को। समझे नहीं, चाहे तुम जीत जाए या भावना, बनाने तो इसको ही पड़ते खाने। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। सो आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और आज मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, कुछ भी बताएं हमें, कोई एडवाइस दें, आपको जैसा भी लगता है वैसा एक कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है, और उसे लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, उसके बिना तो काम चलना नहीं है। अगर आप हमारा ब्लॉग देख रहे हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अभी सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलूंगी आपको कल सुबह फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट।